नरिया वैसे तो इच्छा आती देखने की पर लेकिन कात नहीं हमारे भाग में ही थे भगवान को देखना पर लेकिन बहु का सुनो भाभी चोले चोले इधर जैसे ही भगवान आगे बढ़े तो सनिल हुआ क्या भगवान कन्हैया की मुलाकात कंस के धोबी से हुई। कंस के धोबी से हुई है भैं तो इधर धोबी शराब के नशे में पूरी गली में बने कत नहीं जैसे पीने से ही चेहरे पेरो इसे बूढ़ा भी पिए तो भी जवानी आए शराब पता नहीं इन लोगों को कितनो अमृत है। अगर देखो शराब पीवे से जी लोग इन्हें खाना मिले चे न मिले काऊ बात की चिंता नहीं चे कहूं पड़े रहो न चोर छोए न कुत्ता शेर कोई मतलब ही नहीं दुनिया में बस पिए पड़े हुए और जैसे ही धोबी से भेंट हुई तो भगवान ने जवाब दिया भैया धोबी जवाब दो किसे तुम धोबी मैं तो ये धोबी नजर में आ रहा हूँ। भगवान बोले तुम धोबी नहीं हो तो फिर कौन हो। अरे मैं धोबी नजर में आ रहा हूँ तो फिर से कही ना अब तो यू जवाब दो हम तो कहिए भैया तुम धोबी जवाब दो भैया धोबी हम कपड़न से परेशान हैं और कंस के मेहमान हैं अगर कपड़ा मिल जाएंगे मेरा काम हो जाएगा और आपका एहसान हो जाएगा। तो भगवान बोले भैया हो जाती व्यवस्था जवाब दो नहीं धोबी बिल्कुल नहीं दबा और धोबी बोला है भगवान से का कि पोशाक अगर ही बनाती है तो दोनों के भीड़ जरिए कपड़न की अगर जरूरत है तो कंस का धोबी हूँ हल्के में ले रहे हो जवाब दो मैं तब से भैया 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 कह के जा रहा हूँ तू हमारे चौंच पे चढ़ो आए रहो जवाब दो सना
भी क्या था। आगे बढ़ो भगवान ने चाल बैठो का बत बत उनके सीधे पहने दर्जी के पास में गए, दर्जी ने फिट किए पहन करके आगे बढ़े हैं तो सबसे दरवाजे पर हाथी खड़ा हुआ था तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, ए पीलवान भैया इस अपने हाथी को अलग कर दो, तुझे अंदर जाना है। जवाब दो हमारे हाथी को।